हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये अभी ना ट्यूसडे की मॉर्निंग है और आज है नाग पंचमी। तो अभी तो मैं सुबह दक्ष लोगों के स्कूल की तैयारी कर रही हूँ, उनका टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो आज उन लोगों को ले जाना है आलू के पराठे, तो वही मैं उनके लिए पराठे का जो मिक्सचर है वो तैयार कर रही हूँ आलू का। और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ इसमें मैंने ना जो नमक को पीसते हैं लहसुन मिर्च वाला वो डाल दिया है, और थोड़ा सा खटाई डाला है और थोड़ा सा सादा नमक डाल दिया है। इसके अलावा और कुछ नहीं डाला है मैंने। तो ये सब डाल के ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इन लोगों ने बोला था कि आज आलू के पराठे ले जाएंगे, तो वही मैं इन लोगों के लिए आलू के पराठे दोनों लोगों के लिए बना दे रही हूँ। ये देखिए, दक्ष हो गए तैयार और इनका टाइम हो गया स्कूल जाने के लिए, 7:30 बजे हैं अभी। तो बस अब दक्ष जा रहे हैं स्कूल, और दक्ष के जाने के बाद ना फिर मैं सानू को भी तैयार कर दूंगी स्कूल जाने के लिए। और ये सानू भी तैयार हो गई है। ये देखिए, दोनों की टाइमिंग में ना 1 घंटे का अंतर है। तो इस समय अब 8:30 बज गए हैं और सानू अब जा रही है स्कूल। सानू ना अपने बाल सेट करने में पड़ी रहती है हर समय। उसको ना आगे जो बाल कटिंग कराया उसने, तो हमेशा उसको ना आगे सेट किया करती है। तो मैंने ना मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और फिर मैं नहा वहा के आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज है नागपंचमी। तो नागपंचमी का जो भी खाना होता है बस वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैं ये घुइया की सब्जी बना लूँगी, घुइया फ्राई करके रख दूँगी। तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं डाला है, फिर सिर्फ सरसों का तेल लिया है। और जब सरसों का तेल गर्म हो गया था ना, तो उसमें मैंने ये जो अजवाइन है उसको डाल दिया था। और उसके बाद ये घुइया डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जब थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी ना, तब इसमें जो बेसिक मसाले जो भी हैं वो मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए, घुइया फ्राई हो गई थी ना, तो इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, जो मैं आलू में मसाला डालती हूँ ना वही मसाला मैंने इसमें भी डाला है, घर का पिसा हुआ। सारे मसाले इसमें मिक्स हैं, धनिया मिर्चा और जीरा वगैरह सब मैंने मिक्स करके पीस के रख लिया है। तो मैं जो भी सब्जी कभी भी बनाती हूँ सूखी, तो अक्सर करके मैं वही मसाला डाल देती हूँ। फिर इसको अच्छे से भून लेंगे और सब्जी फिर बनके तैयार हो जाएगी। उधर मैंने दूसरी गैस पे सब्जी रख दी है पकने के लिए, तब तक इधर मैं चने भी छौंक दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कुकर में ना तेल डाला है, तेल गर्म हो गया है, फिर इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। और जब जीरा चटक गया है ना, तो इसमें मैंने फिर हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं ली है, सिर्फ एक ली है, क्योंकि मैंने थोड़े ही चने लिए हैं। बस हम ही 3-4 लोग हैं, उसी हिसाब से मैंने थोड़े ही चने लिए हैं कि एक बार के लिए सबको हो जाए। और जब ये मिर्च हल्की भुन गई है ना, फिर मैंने इसमें चने डाल दिए हैं और चनों को अच्छे से भून लिया है। जब चने थोड़े से भुन गए ना, फिर मैंने इसमें बेसिक मसाले डाल दिए हैं। और बेसिक मसाले में मैंने हल्दी, धनिया, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ना थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। और जब ये चने मसालों के साथ अच्छे से भुन गए हैं ना, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद ढक्कन लगा दिया है, और लगभग 3-4 सीटी आ जाएगी, फिर हम गैस बंद कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है नागपंचमी, तो आप सभी लोगों को नागपंचमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा ना मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो गया है, बच्चे दोनों स्कूल चले गए, उसके बाद मेरा सारा जो है क्लीनिंग का काम भी ख़त्म हो गया है। मैंने पूजा भी कर ली है नहा वहा के, उसके बाद मेरा ना आधे से ज़्यादा खाना भी तैयार हो गया है। सब्जी बन गई है, चने बन गए हैं, और कचौड़ी की तैयारी भी हो गई है, और आटा वाटा लगा के रख दिया है। बस मैं जा रही हूँ अब कचौड़ियाँ बनाने, और सेवई बनानी है। तो अभी घर पे कोई है नहीं, बच्चे स्कूल गए हैं और हस्बैंड गए आज मामी को लेके हॉस्पिटल, उनको दिखाना था, आज डॉक्टर ने बुलाया था, तो हस्बैंड आज लेके गए हैं मामी को। तो जब तक सब लोग आएंगे, तब तक मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा, पूरा सब कुछ तैयार हो जाएगा, बस मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद आज मुझे जाना है मम्मी के घर। तो अपना सारा घर का काम ख़त्म करके, खाना वाना बना के खिला पिला के, फिर पापा आ जाएंगे 12:30 बजे, उनको भी खिला के उसके बाद ही मैं जाऊंगी। और तब तक दक्ष के भी आने का टाइम हो जाएगा, और फिर पहले मंदिर जाऊंगी, उसके बाद मम्मी के घर जाऊंगी।
तो चलते हैं किचन में। अभी मैं जा रही हूँ पूड़ियाँ बनाने के लिए। पूड़ी और कचौड़ी बना के रख दूँ मैं, और फिर सेवई रह जाएगी सिर्फ बनाने के लिए। और हाँ, चटनी भी अभी पीसनी है, क्योंकि मैं वो बना रही हूँ ना कचौड़ियाँ, तो कचौड़ियों के साथ चटनी भी ज़रूरी है, तो वो भी मैं बना लूँगी। अभी चटनी भी पीस के रख दूँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं ना ये सेवइयाँ भून के रख दे रही हूँ, उसके बाद ही कचौड़ी बनाऊँगी। क्योंकि मैंने देखा ना, तो पैकेट में ये सेवइयाँ जो है भुनी हुई नहीं थी, ऐसे ही थी, तो मैंने कहा पहले इसको मैं थोड़ा सा घी डाल के भून लूँ, उसके बाद फिर मैं कचौड़ियाँ इधर बनाऊँगी, उतनी देर में उधर सेवइयाँ भी बन जाएंगी। और उसके बाद ना फिर मैं ये कढ़ाई जो है दूसरी गैस पर रख दे रही हूँ, इधर मैं पूड़ी बनाने के लिए कढ़ाई रख ले रही हूँ, तो उधर अपने धीमी आँच में ना सेवइयाँ थोड़े रोस्ट होती रहेंगी, और इधर मैं पूड़ियाँ भी निकाल लूँगी और कचौड़ी भी बनानी है, तो मैं इधर साथ ही साथ निकालती चलूँगी। तो ये आटा मैंने ना पहले ही लगा के रख दिया था, और बहुत अच्छे से ये मतलब मुलायम हो गया है और बहुत अच्छे से सेट हो गया है आटा। अब इसकी ना मैं कचौड़ियाँ बना ले रही हूँ जल्दी से। और ये देखिए सेवइयाँ रोस्ट हो गई हैं, अच्छे से भुन गई हैं। फिर मैंने उसी चूल्हे पे ना दूध रख दिया है पकने के लिए, तो जब ये दूध अच्छे से बॉयल हो जाएगा फिर इसी को मैं सेवइयों में डाल दूँगी, और फिर दोबारा से वो कढ़ाई चढ़ा दूँगी और सेवइयाँ पका लूँगी। दूध भी हो गया है, फिर से मैंने ये कढ़ाई वापस रख दी है, और इसमें ना मैं सारी सेवइयाँ नहीं बनाऊँगी, आधी मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं घर में, तो सारी सेवई बना के क्या करेंगे, और हम लोग घर में रहेंगे भी नहीं दिन में, मम्मी के घर जाएंगे, तो इसलिए मैं सारी सेवइयाँ नहीं बना रही हूँ, बस आधी सेवइयाँ बना रही हूँ, आधी मैंने निकाल के रख दी है अलग। और फिर ना दूध में पूरा 1 लीटर दूध इतनी सेवई में लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं गाढ़ी करके बनाऊँगी। तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है उसको, जब तक सेवई नहीं पकेगी तब तक थोड़ा थोड़ा दूध डाल के पकाते रहेंगे उसको, और दूध इसी में गाढ़ा होता जाएगा, वो बाद में ना टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, एकदम रबड़ी जैसा टेस्ट आने लगता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो खाना मेरा पूरा तैयार हो गया है, पूड़ी कचौड़ी और सेवई चने और सब्जी सब कुछ तैयार है। ये देखिए पूड़ी कचौड़ी चने और सेवई सब्जी सब कुछ तैयार है। अब मैं जा रही हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ मंदिर में भगवान को भोग लगाने के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ें बनाई है ना वो मैं जो है भोग जरूर लगाती हूँ भगवान को। तो जो भी मैंने बनाया है बस भगवान आके वो उस प्रसाद को ग्रहण करें और हम लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो हमारे वहाँ ना कोई खास पूजा नहीं होती है नागपंचमी की, बस ऐसे ही बस खाना जो भी बनाना होता है बना के खा लेते हैं, और कोई स्पेशल पूजा वगैरह कुछ नहीं होती है। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर, और ये मंदिर ना घर के पास में ही मंदिर है और ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोगों ने कहा कि चलो अभी पहले मंदिर हो लेते हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे, वापस फिर आएंगे मम्मी के वहाँ जाने के लिए। और ये देखिए शिव भगवान को जो भी चीज़ें चढ़ती है ना, भांग धतूरा बेलपत्र फूल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, और दूध वगैरह भी सब मिल रहा था तो हम लोगों ने ले लिया है चढ़ाने के लिए। उसके बाद आ गए मंदिर के अंदर, हम सब लोगों ने भगवान को सब चीज़ें चढ़ा दी हैं। और ये दक्ष को देखिए घंटा बजा रहे कूद कूद का, बहुत मजा आ रही है दक्ष को घंटा बजाने में। और मंदिर देखिए चारों तरफ बस देवी देवता विराजमान है इस मंदिर में, और बहुत पास में ही है ये हमारे घर के। उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ मंदिर में ही, पंडित जी हैं तो वो हम लोगों को प्रसाद दे रहे हैं, फिर उसके बाद टीका वगैरह लगाया है हम लोगों के। आप मान के ना करो।
और ये देखिए बहुत बड़ा और बहुत पुराना ये पीपल का पेड़ है मंदिर में ही। तो फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए, मम्मी ने बुलाया था तो हम लोग घर जा रहे हैं। और ये देखिए ग्रीन ग्रीन पूरा ग्रीन है। सानू ने भी ग्रीन चूड़ियाँ पहनी और मैंने भी ग्रीन चूड़ियाँ पहन ली हैं। सानू की ड्रेस में हल्का फुल्का ग्रीन है, ग्रीन ड्रेस नहीं थी तो सानू को ये पहना दिया मैंने, और मैंने पूरा ग्रीन साड़ी वगैरह पहन ली है ना सानू। चूड़ी किसने दी है सानू? नानी। नानी ने भिजवाई है। अच्छा, ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली हैं, बिंदी और साड़ी पूरा ये देखिए। और दक्ष ने ब्लू ब्लू पहना है क्योंकि दक्ष के पास भी ग्रीन नहीं है। पापा ने भी ग्रीन ग्रीन पहन लिया, थोड़ा बहुत पापा के में भी ग्रीन ग्रीन। तो ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं मम्मी के घर, और यहाँ पे आते ही ये देखिए कोल्ड ड्रिंक मिल रही है हम लोगों को पीने के लिए। और ये देखिए मैंने जो ग्लास लिया ना उसमें कोल्ड ड्रिंक कम थी तो मम्मी ने चेंज कर दिया कि उसमें जो है झाग भर गया था कोल्ड ड्रिंक का सारा, तो ये दूसरा ग्लास लो इसमें ज़्यादा है उसमें कम है, तो वही वापस मुझसे ले लिया और ये दूसरा ग्लास अब मुझे दे रही है। हम सब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी, चाय वाय बनाने के लिए मम्मी कह रही थी तो मना कर दिया सबने कि अभी चाय पीने का मन नहीं है। और मम्मी कह रही थी कि चने ले आए चने खा लो, तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं था क्योंकि घर से सब लोग खा पी के गए थे इसलिए उस समय मन नहीं था, तो बस कोल्ड ड्रिंक पी ली थी हम लोगों ने। और उसके फिर थोड़ी देर बाद मम्मी चाय वाय भी बना के ले आई थी, तो चाय सिर्फ मैंने और सानू ने पी थी और दक्ष ने चाय नहीं पी थी, तो हम और सानू ही चाय पी रहे हैं यहाँ पे। और मन नहीं था मेरा लेकिन फिर भी मम्मी ज़बरदस्ती बना लाई कि नहीं मैं बना के ला रही हूँ, पीना पड़ेगा। और सानू की मेहंदी देखिए कितनी डार्क हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है चढ़ी है तो ये देखिए। और फिर उसके बाद मम्मी ये चने ले आई हैं, इसमें नींबू और प्याज ऊपर से डालकर, तो बहुत टेस्टी लग रहे थे ये चने क्योंकि मैं दूसरी तरीके से बनाती हूँ और मम्मी बनाती हैं दूसरी तरीके से। मैं बनाती हूँ ना कि वो मसाले वगैरह सब डाल के, और मम्मी बस ऐसे ही जो है जीरा डाल के झोंक देती हैं चनों को, और ऊपर से फिर नींबू और प्याज डाल के खाया जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बीच में चिंकी आ गई थी, मांग रही थी चने तो मैं उसको देने लगी थी, और सच में चने ना बहुत टेस्टी लग रहे थे क्योंकि इसमें ऊपर से नींबू और प्याज पड़ा हुआ था। तो आप लोग भी आइए और ये चने एक बार टेस्ट जरूर करिए क्योंकि बहुत अच्छे बने हैं और मम्मी के हाथ की हर चीज़ वैसे भी अच्छी लगती है। और इधर ये देखिए अब ये अब रात भी हो गई है तो इन लोगों को लग गई है भूख, और इधर भाई बहन का प्यार देखिए, खुद नहीं खा रहे ये लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं। सानू कह रही है ना दादा आप मुझे खिलाओ मैं आपको खिलाऊँ, तो इनका प्यार देखिए भाई बहन का प्यार। ये आगे कहने लगे आटो मैं बनाता हूँ मैं निकालता हूँ, तो वही बस मम्मी बेल रही थी और ये निकालने लगे थे भटूरे, और बच्चे बैठ के खा रहे हैं, तो ये मम्मी है मेरी और वही सास और दामाद किचन में बना रहे हैं भटूरे। फिर यहाँ हम लोग जा रहे थे घर, लगभग वही 10 बज रहा था और हम लोग घर जा रहे थे, तो मम्मी लोगों को पैसे दे रही थी तो वही ये लोग मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं लूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।